राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास जलारी। आज हम सभी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिणी, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होए। आप सब श्री राधा नाम एक बार अवश्य बोलें और कथा का आनंद लें। कामिका एकादशी। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है और इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और यदि किसी कारणवश पूजा ना कर सको तो श्रद्धा सहित भजन करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है।
इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कथासार, भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने से मिलती है। तो आज की एकादशी में हमने तुलसी जी की जो कथा है उनका जो महात्म है और तुलसी दल से भगवान विष्णु हमारे बांके बिहारी जी महाराज कितने प्रसन्न हो जाते हैं यह भी हमने जाना है। अतः आप सब एकादशी के दिन ठाकुर जी के श्री चरणों में फूल तुलसी अर्पण अवश्य करें और खूब भक्ति करें, खूब भजन करें। ऐसी प्रार्थना में बांके बिहारी जी महाराज के पावन श्री चरणों में आप सबकी तरफ से करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।